In this lecture, we will discuss about the thermodynamic and kinetic stability of metal complexes, and this is the part third. In the previous lecture, we have discussed about the thermodynamic stability and the kinetic stability of metal complexes, and these has been explained in the two different lectures. Okay. सो आफ्टर स्टडिंग द थर्मोडाइनमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेज ना वी विल कम्पेयर दर्मोडाइनमिक एंड काइनेटिक स् इस्टेबिलिटी एक बार हम फिर रिवाइज करेंगे कि थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अगर हम सोचें तो क्या होता है उनका जो फॉर्मेशन कॉन्सटेंट होता है वो हाई होता है. इसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी तो इनका स्टेबिलिटी कांस्टेंट हाई होता है या हम कहेंगे इनका डिसोशिएशन कांस्टेंट कम होता है अगर हम थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उनका फॉर्मेशन कांस्टेंट कम होता है जिसे हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं और इनका डिसोशिएशन कांस्टेंट क्या होगा अधिक होगा बिकॉज डिसोशिएशन कांस्टेंट एंड फॉर्मेशन कांस्टेंट्स दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर ओके तो हम जिसका के फॉर्मेशन हाई होगा वो स्टेबल होंगे का थर्मोडाइनमिकली और जिनका कम होगा वो थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल कंपाउंड होंगे अब अगर हम काइनेटिक इनर्टनेस और काइनेटिक लेबिलिटी की बात करेंगे तो आप देखिए काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्स कौन होंगे विच आर स्लो रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जो काइनेटिकली इनर्ट होंगे वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को धीरे धीरे करेंगे और जो काइनेटिकली लेवाइल कॉम्प्लेक्स होंगे वो फास्ट रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स होंगे सब्सटीट्यूशन uh, रिएक्शन बहुत फास्ट होगी इनकी तो पहले अगर आप इन चार आ, शब्दों को जान चुके हैं इन चार टर्म्स को जान चुके हैं तो बहुत इजी हो जाएगा ये देखना कि जो थर्मोटाइनेमिकली जो स्टेबिलिटी है क्या इसका कोई काइनेटिक स्टेबिलिटी से लेना देना है या नहीं है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ओके सो थर्मोटाइनमिकली स्टेबल हाई के फॉर्मेशन थर्मोटाइनमिक अनस्टेबल लो के फॉर्मेशन काइनेटिकली नॉट स्लो रिएक्टिंग स्पीसीज काइनेटिकली फास्ट रिएक्टिंग स्पीसीज ओके नाउ इफ यू सी सम एग्जांपल्स अब देखिए यहाँ पर दो एग्जांपल मैंने दिए हैं एक आयरन का कॉम्प्लेक्स है एक्वा कॉम्प्लेक्स और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्रोमियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स है अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों अगर हम देखें दे आर थर्मोडाइनमिकली स्टेबल ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं इनका जो के फॉर्मेशन होता है वो हाई होता है और ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं पर्टिकुलर कंडीशन में ओके okay? अब इनको अगर हम देखें तो ये जरूरी नहीं है कि ये काइनेटिकली इनर्ट होंगे ज़रूरी नहीं है दे मे भी काइनेटिकली इनर्ट और मे बी काइनेटिकली लेबाइल हम ये कहना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स थर्मोडाइनमिकली स्टेबल है तो वो काइनेटिकली इनर्ट होगा ज़रूरी नहीं है जैसे आप देखिए ये दोनों के दोनों थर्मोडाइनमिकली स्टेबल हैं बट

अगेन आई एम गिविंग यू द एग्ज़ाम्पल ऑफ थ्री मोर कॉम्प्लेक्सेस अब मैं आपको तीन कॉम्प्लेक्सेस के एग्जाम्पल फिर से दूंगी जहाँ पर आप देख सकते हैं निकल का कॉम्प्लेक्स है साइनो कॉम्प्लेक्स देन मैगनीज का एंड क्रोमियम का ये तीनों ही कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं दीज आर थर्मोडाइनमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स लेकिन इनकी जो काइनेटिक स् है उसको क्या कहते हैं उसको हम काइनेटिक स्टेबिलिटी जिसको हम लेबिलिटी या इनर्टनेस कहते हैं वो इन तीनों की अलग अलग होती है अब आप देख सकते हैं कि जो निकल का साइनो कॉम्प्लेक्स है वो इस साइनाइट के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन करता है और इसको जो 14C से लेबल्ड सी है उसको आसानी से सब्सटीट्यूट कर लेगा बहुत फास्ट रिएक्शन है इट मींस इट इज़ काइनेटिकली लेबाइल कॉम्प्लेक्स तो एन आई सी नेगेटिव क्या है काइनेटिकली लेबाइल कॉम्प्लेक्स है नाउ कम टू दी मैगनीज कॉम्प्लेक्स मैगनीज के कॉम्प्लेक्स में जो एक्सचेंज है लिगेंस का वो स्लो होता है बहुत फास्ट नहीं होता है इट इज स्लो तो इसलिए ये कैसा है लेस लेबाइल le है लेस लेबाइल कॉम्प्लेक्स है और अगर हम क्रोमियम के साइनो कॉम्प्लेक्स को देखें तो ये जो एक्सचेंज है लिगेंड का ये बहुत कम है सबसे कम है इसलिए ये कैसा कॉम्प्लेक्स है ये एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स है इस तरीके से इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो तीन कॉम्प्लेक्स हैं ये तीनों थर्मोडानेमिकली स्टेबल है बट इनकी काइनेटिक स्टेबिलिटी डिफरेंट है एन आई सी एन फोर इज लेबाइल एम एन सी सी एन सिक्स थ्री नेगेटिव इज लेस लेबाइल वाइल सी आर सी एन सिक्स थ्री नेगेटिव इज इनर्ट अब यहाँ पर देखिए एक कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट का लिखा है कोबाल्ट का अमीनो कॉम्प्लेक्स है ये और कोबाल्ट का जो अमीन कॉम्प्लेक्स है ये थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होता है आप देख सकते हैं इसका जो के डिसोसिएशन है वो बहुत हाई है इट इज़ टेन टू द पावर ट्वेंटी फाइव लेकिन इट इज़ काइनेटिकली इनर्ट ये काइनेटिकली इनर्ट है फॉर टूवर्ड्स आप देख सकते हैं कि ये काइनेटिकली इनर्ट है तो ये जो कॉम्प्लेक्स है को, 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 कोबॉल्ट का ये देखिए एसिडिक मीडियम में ये स्टेबल नहीं है एसिडिक मीडियम में ये देखिए ये एक्वा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जा रहा है इसका मतलब जो ये अमीनो कॉम्प्लेक्स है इट इज़ थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल लेकिन ये काइनेटिकली इनर्ट है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वैसे इतनी आसानी से नहीं दे सकता नॉर्मल कंडीशन में लेकिन केवल ये एसिडिक कंडीशंस में ये क्या हो जाता है थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल हो जाता है ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल है निकल का टट्रा कॉम्प्लेक्स है ये क्या है थर्मोडाइनमिकली स्टेबल है क्यों है क्योंकि इसका जो डिसोशिएशन कांस्टेंट है वो टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी टू है और अगर हम इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट देखेंगे वो तो टेन टू द पावर ट्वेंटी टू हो जाएगा तो ये जो है लगभग ओके okay. तो यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट क्योंकि बहुत कम है इसलिए ये एक स्टेबल कंपाउंड है थर्मोडाइनमिकली बट इट इज़ काइनेटिकली लेबाइल कॉम्प्लेक्स हमने पहले भी इसका एग्जाम्पल देखा मतलब ये जो एन आई सी एन फोर है इसका डिसोशिएशन तो आसान नहीं है नॉर्मल कंडीशन में क्योंकि इसका डिसोशिएशन कांस्टेंट बहुत कम होता है लेकिन ये एक्सचेंज कर सकता है सब्सटिट्यूशन रिएक्शन आसान है अगर सी एन माइनस लिगेंड लेंगे, तो एक्सचेंज रिएक्शन बहुत आसानी से देता है इसलिए ये एक काइनेटिकली लेबाइल कॉम्प्लेक्स भी है तो इस लिए हम एक जिस्ट इसका दे सकते हैं हम कंक्लूड uh, कर सकते हैं कि द टर्मोडाइनमिक एंड काइनेटिक टर्म्स दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर कोई लेना देना नहीं है थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी अलग तरीके से डिफ़ाइन की जाती है और काइनेटिक स्टेबिलिटी अलग तरीके से डिफ़ाइन की जाती है ज़रूरी नहीं है अगर कोई कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है तो वो काइनेटिकली इनर्ट हो इट मे बी इनर्ट और इट मे भी काइनेटिकली लेबाइल तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है ये हमें ये डिफ़रेंट एग्जाम्पल्स बताते हैं So, this is all about uh, this lecture. Thank you very much.